please subscribe and don't forget to press the bell icon to get notified whenever we upload a new video. दुबई में खेले जा रहे एशिया कप में आज भारत का मुकाबला पाकिस्तान से होगा। क्रिकेट के मैदान पर भारत और पाकिस्तान की भिड़ंत का पूरी दुनिया लुत्फ उठाती है, इसलिए इस हाई वोल्टेज मैच पर सबकी निगाहें टिकी हैं। दोनों टीमें पिछले साल चैंपियंस ट्रॉफी के समय एक दूसरे से भिड़ी थी और उस वक्त पाकिस्तान ने जीत हासिल की थी। टीम इंडिया में इस बार उसके सर्वश्रेष्ठ बल्लेबाज विराट कोहली शामिल नहीं है, इसलिए माना जा रहा है कि पाकिस्तान के खिलाफ आज होने वाले मैच में टीम इंडिया को विराट कोहली की कमी खल सकती है। तो भारत पाकिस्तान की मैच पर आज सभी की निगाहें हैं और जब भी भारत और पाकिस्तान के बीच मुकाबला होता है दबाव दोनों टीमों पर रहता है। शाम 5 बजे से यह मुकाबला शुरू होगा। हालांकि इस बार विराट कोहली टीम में नहीं है, उनकी कमी जरूर खेल सकती है, लेकिन जब बात की गई पाकिस्तानी टीम से तो उन्होंने कहा कि इसका फायदा उन्हें मिल सकता है, विराट कोहली नहीं है। Will be to have a break and then play. We all are humans, you know, so we get tired as well. But at the same time, we are quite strong enough, and it's mind over matter. And once, of course, it's a big game, and we all gonna be positive and strong. Even from mental aspect wise, we'll be positive that you know it doesn't matter if we played. So these things come and go, so we are all right. हमारे सहयोगी विमल कुमार दुबई से फोन लाइन पर मौजूद है। विमल, आज का मैच काफी अहम है और जब भी भारत और पाकिस्तान का मैच होता है रोमांच चरम पर रहता है, लेकिन विराट की कमी खलेगी? देखिए, विराट की कमी निश्चित तौर पर खलेगी। वनडे क्रिकेट के दिग्गज बल्लेबाज हैं और सादिक कप्तान हैं, और खास तौर कल जिस तरह टीम इंडिया ने पहला मैच में खेला, हांगकांग की टीम ने एक तरह से देखा जाए पसीने छुड़ा दिए थे टीम इंडिया के, तो जाहिर तौर पे कई कई चीजें दिखेंगी। रोहित शर्मा के कप्तानी को लेकर इश्यूज थे। इस गर्मी में अपने आप को अभ्यस्त करना टीम इंडिया के लिए सबसे बड़ी चुनौती है। ये टीम पिछले पूरे 2 महीने इंग्लैंड में रही थी ठंडे वातावरण में और यहाँ पर आई है एकदम 44 डिग्री में, तो ये आदत नहीं है टीम इंडिया को यहाँ पर खेलने की। मुझे लगता है पाकिस्तान टीम से बड़ी चुनौती टीम इंडिया के लिए गर्मी से निपटना है। कल एक 24 घंटे, वो कल वो मैच खेले हैं 10 घंटे और फिर आज वो लगातार बैक टू बैक, ये आसान नहीं होगा टीम इंडिया के लिए। बिल्कुल विमल, आप हमारे साथ बने रहिए, वापस आपके पास हम लौटेंगे। कहते हैं कि पाकिस्तान एक बार फिर एशिया कप लेके आए और पाकिस्तानियों को खुश कर दे जैसे पहले उन्होंने किया। पाकिस्तान इज ए मच सुपीरियर टीम। वी हैव प्रूवन इट ओवर टाइम एंड अगेन दैट पाकिस्तान कैन प्ले बेटर क्रिकेट देन इंडिया। वी हैव प्रूवन रिसेंटली इन द चैंपियंस ट्रॉफी वी हैव बीटन देम हैंड्स आउट, एंड इंशाल्लाह वी आर गोइंग टू विन दिस मैच नाउ इन द कमिंग। हमें बड़ी खुशी होगी कि अगर हम एशिया कप लेकर पाकिस्तान जवारी टीम वापस जाए और ओवरसीज पाकिस्तान सॉलिडेरिटी की तरफ से पूरे पाकिस्तानियों को कहेंगे कि दुआ गवाह हों और पाकिस्तान की जीत के लिए दुआ। बहुत इंतज़ार है, ये क्रिकेट के इवेंट में ईद होती है जब इंडिया और पाकिस्तान आपस में होते हैं, रिवायतें हरीफ हैं और इतना ज़्यादा मेरा ख्याल एक्साइटमेंट किसी और मैच में पॉसिबल ही नहीं है। इंडिया पाकिस्तान का मैच ऑलवेज क्रूशियल और बड़ा इंटरेस्टिंग होता है एंड तक, कोई ऐसा नहीं होता बीच में कि आप कोई बॉल स्किप कर सकें, कोई ऐसी मोमेंट नहीं होती कि आप कर सकें हम उसको मिस। तो हमारी दुआएं हैं और इंशाल्लाह हम पूरी उम्मीद हैं कि चैंपियंस ट्रॉफी की जो उम्मीद है वो जो याद है वो दोबारा ताज़ा होगी। दुनिया में जहाँ भी आप हैं, पाकिस्तानी हैं या इंडियन हैं, आप जब पाकिस्तान इंडिया का क्रिकेट मैच होता है तो आप में जोश और वलवला आ जाता है, लोग इकट्ठे हो जाते हैं और इट्स गोइंग टू बी ए फंटास्टिक टाइम फॉर पीपल एंड पीपल आर गोइंग टू एंजॉय और जोश और खरोश होगा इंशाल्लाह। ये तो एक ट्रेडिशनल आर्च राइवल्स का मैच है, तो पाकिस्तान इंडिया का मैच तो हमेशा से ही एक्साइटेड होता है और मैं ये समझता हूँ कि पाकिस्तान को ये मैच जीतना चाहिए। विमल, हमारे सहयोगी लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। विमल, जब इंडिया पाकिस्तान का मैच होता है प्रेशर दोनों टीमों पर रहता है, लेकिन अगर हम पिछले साल चैंपियंस ट्रॉफी की बात करें तो पाकिस्तान ने जीत दर्ज की थी, तो क्या इस बार टीम इंडिया पर मनोवैज्ञानिक दबाव रहेगा? देखिए, मनोवैज्ञानिक दबाव तो उस तरह से नहीं है जो पहले के ज़माने में होता था और ये पाकिस्तानी टीम भी मानते हैं कि ये टीम इंडिया मजबूत है। हाँ, इतना ज़रूर है कि कल का जब उन्होंने मैच देखा है और इस भारतीय टीम की कई चीज़ें उनको समझ में आई कि इन्हें जैसे कुलदीप और चहल को लेकर बहुत ज़्यादा जिज्ञासा थी पाकिस्तानी टीम में। कल हांगकांग टीम ने जिस तरह से उन्हें खेला, काफ़ी सहूलियत मिली होगी पाकिस्तान को। इसके अलावा जो बैटिंग है टीम इंडिया की, जो बैटिंग है वो अभी सेटल्ड लाइनअप नहीं है। दिनेश कार्तिक स्ट्रगल कर रहे हैं, अंबाती रायडू से रन नहीं बने हैं,
पाकिस्तानी टीम कल बड़ी हैरान थी कि लोकेश राहुल को क्यों नहीं मौका दिया टीम इंडिया में, उन्हें क्यों आराम दिया गया जबकि इंग्लैंड में अच्छा रन बना रहे थे। तो कुल मिलाकर देखा जाए तो दबाव नहीं है, हाँ, लेकिन निश्चित तौर पर पाकिस्तान का ये होम ग्राउंड है, यहाँ पर गर्मी के अभ्यस्त हो रहे हैं, मोमेंटम उनके साथ है। टीम इंडिया का एक तरह से देखा जाए इंग्लैंड का दौरा बहुत अच्छा नहीं था, लेकिन सबसे अच्छी बात है भारतीय टीम को पलटने मौके, जब बड़े मौके पर ये टीम इंडिया बहुत अच्छा खेलती है। और निश्चित तौर पे ये टीम इंडिया जानती है कि यहाँ पर एक बड़ा मौका है, पिछले दो महीने में जो भी मायूसी मिली है अगर पाकिस्तान के साथ आज वो जीतते हैं तो सारी मायूसी यूं गायब हो जाती है। तो कहीं ना कहीं उस लिहाज से बिग मैच प्लेयर इस टीम में है, चाहे शिखर धवन की बात करें, रोहित शर्मा की बात करें, धोनी की बात करें, तो मुझे लगता है कहीं ना कहीं एकदम कांटे का टक्कर होने वाला है। बिल्कुल विमल, आप हमारे साथ बने रहिए, वापस आपके पास लौटेंगे। विमल, फैंस काफी जोश से लबरेज हैं, चाहे कोई भी टीम जीते, लेकिन ये हम उम्मीद कर सकते हैं कि एक अच्छा मुकाबला देखने को मिलेगा। निश्चित तौर पर देखिए, दुबई में जब आप आते हैं और दुबई में जब लोगों से मिलते हैं तो आपको लगेगा ही नहीं कि आप दुबई में किसी तीसरे मुल्क में हैं, आपको या तो हिंदुस्तानी मिलते हैं या पाकिस्तानी मिलते हैं, बराबर की संख्या में। कई लोगों से हमारी बात हुई, वैसे तो इनके बड़े दोस्ताना संबंध है, लेकिन जब बात क्रिकेट की आती है तो सबका ध्यान, आज का मैं आपको यहाँ पर बता रहा हूँ दुबई में, यहाँ का जो लोकल टाइम है उसके हिसाब से 5 बजे मैच है, लेकिन लोगों को हिदायत दी गई है कि जिन्हें भी मैच देखना है वो 2 घंटे पहले पहुँच जाए, क्योंकि पूरे रास्ते में, हालांकि इंडिया जैसा यहाँ ट्रैफिक नहीं लगता, लेकिन पहले से उम्मीद की जा रही है कि जबरदस्त ट्रैफिक होगा। पूरी जनता जो यूएई की पूरी जनता है, दुबई की पूरी जनता, वो आपको वहाँ पर मिलेगी। इसके अलावा अगर आप देखा जाए फैंस के लिहाज से, चूंकि बहुत ज्यादा भारत पाकिस्तान आपस में नहीं खेलते हैं, एक लिहाज से देखा जाए ये 3 मैचों की वनडे सीरीज है भारत पाकिस्तान के बीच है। आज भारत पाकिस्तान खेलेंगे, उसके बाद 23 तारीख को भी एक मुकाबला होना इन दोनों टीमों के बीच दूसरे राउंड में, और फिर मुमकिन है कि फाइनल में भी ये टीम भिड़े। तो कुल मिलाकर अगर देखा जाए जबरदस्त उम्मीदें हैं, और क्योंकि इसके बाद फिर भारत पाकिस्तान को भिड़ना नहीं है, सीधे वर्ल्ड कप में भिड़ना है। और उम्मीद की जा सकती है कि दोनों टीमें जिस तरह की उम्मीद और हमेशा जिस तरह की होता आया है भारत पाकिस्तान का मुकाबला, फैंस को जबरदस्त मनोरंजन देता है। बिल्कुल, रोमांच चरम पर है, सभी को मुकाबले का इंतजार है। विमल, आपका इस तमाम जानकारी के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।